नमस्कार, अर्ली टाइम में आपका स्वागत है। इस वक्त हम सिख यूथ सेवा ट्रस्ट जो एक संस्था है, स्वयंसेवी संस्था है, वहां पर पहुंचे हुए उनके ऑफिस में। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। हालांकि इस कोविड के चलते हुए जो है, जिस तरह से महामारी जो है ये बढ़ती जा रही है, ये स्वयंसेवी संस्थाएं ही एक बहुत अहम रोल अदा करती हैं लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या वहां की पुलिस की तरफ से कुछ परेशानियां जो है इन लोगों को आ रही हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की परेशानी आ रही है। सर जी, मेरा नाम तेजिंदर पाल सिंह है। आज ये जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, ये एक ऐसे विषय पे है कि एक तरफ जो कि लोग परेशान हैं इस कोविड की वजह से, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं ये जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये जो तारबंदी की गई है उसकी वजह से। पिछले कई साल से हम लोग कोविड के ऊपर काम कर रहे हैं। सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हमने पिछले साल से लेके अब तक हमारी तरफ से जितनी भी सेवाएं चल रही हैं वो हम अभी भी उनको बखूबी निभा रहे थे। बट अफसोस कि जब हम यहाँ से दूसरी जगह पे जाना हो, तारबंदी हो, उनको जब हम ये पासिस दिखाते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दिए जाते हैं, इनको नकारा जाता है। उसके बाद जब हम एसएचओ साहब का पास दिखाते हैं, इसको भी नकारा जाता है। अगर इन पासिस की कोई वैल्यू नहीं है तो फिर हमें ये पासिस नहीं चाहिए। अगर इनकी वैल्यू है तो इनकी वैल्यू उन पुलिस ऑफिसर्स को बता दीजिए जो यहाँ पे तारबंदी करके बैठे हैं, जिस तारबंदी का कोई भी बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट क्यों नहीं है मैं ये आपको बता देना चाहता हूं। अगर आपने तारबंदी की है, मेडिकल इमरजेंसी के लिए आपने बोला हुआ है कि मेडिकल इमरजेंसी जो है वो अपने टाइम तक खुली रहेगी। अब मुझे बताइए, हमारे नानक नगर की मैं बात करूं, नानक नगर खालसा चौक और नानक नगर के बीच में आधा किलोमीटर का गैप है, उसके आगे इन्होंने तार लगाई हुई है। जिस बंदे ने, और उस तार के 50 मीटर के पास एक मेडिकल शॉप है, उस तार को पार करके अगर किसी ने दवाई लेने जाना है उसको पैदल तक नहीं जाने दिया जाता। उनको बोला जाता है कि वहां से घूम के आओ, मतलब कि 50 मीटर का मतलब कि उसने 50 मीटर का रास्ता 1 किलोमीटर का तय करके फिर दवाई लेने के लिए जाना है। दूसरी बात, एक तार ये लगी है, एक तार लगी है प्रीतनगर के पास। प्रीतनगर के पास उसके बिल्कुल सामने पेट्रोल पंप है। भाई साहब, या तो पेट्रोल पंप बंद कर दीजिए। अगर पेट्रोल पंप बंद नहीं करना तो फिर इस तारबंदी का क्या फायदा। हमें उस टाइम बड़ी हैरानी हुई जब कल मैं खुद किसी पेशेंट को कोविड पॉजिटिव, जब उनकी रिपोर्ट आती है, उन्होंने मुझसे ऑक्सीमीटर की डिमांड की और मैं उनको ऑक्सीमीटर देने जा रहा था। वहां पे तार लगा के एक पुलिस ऑफिसर बैठे थे, मैं उनको नहीं जानता, क्योंकि यहाँ के पुलिस ऑफिसर की मैं अगर गांधीनगर की बात करूं वो बहुत हेल्पफुल है, वो हमारी हर जगह मदद करते हैं। पर जो वहां पे उन्होंने अपॉइंट किए हुए, मैंने उनको बोला भैया एनजीओ से है, हम क्या करें। मैंने उनको बोला भैया जी हमारे पास पास है, ये एक्सपायर है। तो जब हमने उनसे ये बात बोली कि हमने जब एडमिनिस्ट्रेशन से बात की थी कि इसकी डेट 6 तक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन से आगे से ये रिप्लाई आता है कि ये जो लॉकडाउन है ये परमानेंट लॉकडाउन अभी घोषित नहीं किया गया, इसीलिए ये अंडरस्टूड है जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ता जाएगा ये जो आपका पास है यही आगे चलता जाएगा। बट उन ऑफिसर साहब ने इस चीज को नहीं मानी। जब मैं ये दिखाता हूं तो उसको भी नहीं मानते हैं। अब अगर ये चीज भी नहीं वो मानेंगे तो फिर हम अपना आई कार्ड दिखाते हैं जब एनजीओ का, वो भी नहीं मानते। हालांकि मेरे लड़के सारे प्रॉपर किट्स में होते हैं, अपनी टी शर्ट डाली होती है, उसको भी नहीं मानते। आगे से क्या कहते हैं जब हम बोलते हैं भाई हम तो लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनका जवाब ये होता है हमने आपको बोला सेवा कीजिए। हैरानगी है यार। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये चीज बता देना चाहता हूं कि अगर एनजीओ ना हो तो एडमिनिस्ट्रेशन की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इतनी बड़ी दुनिया को अकेले संभाल सके। तो उन हमारी अब यही मांग है कि या तो इन पासिस की वैल्यू उनको बताई जाए जितने भी ऑफिसर्स खड़े हैं, या तो हमें बताया जाए कि हम किस प्रकार से सेवा करें। हम सेवा करने से पीछे हटने वाले नहीं है। अगर हमारी जान पे बात आएगी हम वो भी करने को तैयार है। अगर हम लोग दिन में 17 से 18 संस्कार कोविड पेशेंट के करवा सकते हैं अपनी जान को हथेली में रख के, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि इस पैंडेमिक में, इस महामारी में अभी इस समय कोई मोल खराब हो जाए। जैसे इनको कल हमारे लड़कों को रोका गया, अगर वो लड़के बदतमीजी भी उतर आते तो वो क्या कर लेते।
ठीक है, हम यूनिफॉर्म की रिस्पेक्ट करते हैं, हम पुलिस ऑफिसर की रिस्पेक्ट करते हैं, पर उतने तक जहां तक वो सही है। अगर वो हमें ये बात बोलेगा कि हमने आपको घर जाके नहीं बोला कि आप सेवा करने निकलो, तो आप इस चीज को आप सोच सकते हो और आप समझ सकते हो कि उस बंदे की क्या मेंटालिटी है जो एनजीओ को ये बात बोल रहा है कि हम आपके घर पे जाके आपको नहीं बोलते। तो इसमें जैसे कि आपने बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन तो अपनी हर बात कहते हैं कि जितने भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन, वो बढ़ चढ़कर इसमें आए, आगे आए, लोगों की सेवा करें। लेकिन ऐसी परिस्थिति में आपको क्या लगता है कि इस तरीके की कमी एडमिनिस्ट्रेशन में रह गई है कि जैसे आप लोग सेल्फलेसली काम कर रहे हैं और भी संस्थाएं सेल्फलेसली काम कर रहे हैं, लेकिन आपको इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या लाइजन की कमी है या कम्युनिकेशन की कमी है, किसकी तरफ से ये कमी है? देखिए, मैं तो साफ इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को ही दोषी ठहराऊंगा। पिछले साल से इस साल तक लगातार जो हमारी एनजीओ है ये बखूबी अपना काम निभा रही है। हर एक इंसान जानता है कि हम किस प्रकार, किस समय, किस तरह की हेल्प किसकी कर रहे हैं। इस बार सिर्फ ऑक्सीजन को लेके एक मुद्दा बना गया। आप देख सकते हो मेरे पास अभी भी जो हम सिलेंडर्स की सेवा है, ऑक्सीजन फिल, बट अफसोस कि हमने पिछले 15 दिन से डीसी साहब को बार बार ट्वीट कर रहे हैं, डीसी साहब के ऑफिशियल पेज पे भी कर रहे हैं, डीसी साहब को पर्सनल ट्वीट भी कर रहे हैं कि हमें परमिशन दी जाए सिलेंडर फिलअप करवाने की, क्योंकि हम प्रॉपर वेरिफिकेशन करने के बाद ही पेशेंट का सिलेंडर जो है फिलअप करवाते हैं। बट अफसोस अभी तक हमें उसमें से कोई भी जो है रिलीफ नहीं मिला। और उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन टोटली फेल है, जो उनका काम है, जो उनको करना चाहिए था, वो उस काम को नहीं निभा रहे। अगर मैं इस टाइम किसी और मुद्दे से लेकर मैं दूसरे मुद्दे पे जा रहा हूं, इस टाइम हमारा कोविड का जो केस है, ये दिन ब दिन डेथ रेट जो बढ़ती जा रही है, अगर प्रशासन जब लॉकडाउन से पहले मुबारक मंडी, कनक मंडी में लोगों को पकड़ पकड़ के टेस्ट करवा रहा था, आज प्रशासन कहां सोया हुआ है? आज की डेट में हर कोई अपना काम कर रहा है। सुबह 6 से लेकर 10 बजे तक आप मेरे साथ कभी भी आके देख चेक कर लीजिए कि किराना की शॉप पे इतना रश होता है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कोई मास्क नहीं है, कोई कुछ नहीं है, किसी को कुछ भी नहीं पता कि क्या उस चीज का पालन करना है। मैं माफी चाहता हूं कई दुकानदार, क्योंकि मैं भी एक बिजनेसमैन हूं, मेरे भी पेशे से मेरा भी बिजनेस है, हमारी भी दुकानें बंद है। अब इन्होंने एक नया दे दिया है कि 2 घंटे भरे, भाई 2 घंटे तो हम सफाई करेंगे या दुकान खोलेंगे? 1 हफ्ते में 2 घंटे दुकान खोल के हमें कुछ नहीं मिलने वाला। तो इस ऑर्डर को भी मैं चाहता हूं कि ये भी रद्द ही हो जाए तो अच्छी बात है। तो इनको चाहिए कि जो ये सब्जी वाले हैं, जो आइसक्रीम वाले हैं, अगर वो ठीक है, वो दिहाड़ीदार बेचारा कहां जाएगा, उसने दिहाड़ी लगानी है, बट हाँ उसकी दिहाड़ी के चक्कर में, उसकी गरीबी के चक्कर में बाकी दुनिया चपेट में ना आ जाए, उनके टेस्ट होने चाहिए, रेगुलरली उनके टेस्ट होने चाहिए। पिछले दिनों में मैंने एक ट्वीट किया था जिसपे सब्जी मंडी में आपने देखा कितना बहुत ज्यादा वो फोटो वायरल हुई थी, उसके दूसरे दिन जब डीसी साहब ने एक्शन लिया, पर आज अगर आप चले जाओगे आज कैसे हो जाएगा? ऐसी परिस्थिति में फिर ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, एनजीओ हैं, ये कैसे काम कर पाएंगे? देखिए, मैंने आपको बोला कि हम पुलिस वालों ने अगर हमें रोका है, हम रुकने वालों में से नहीं है। अगर उसकी सोच ही इतनी थी, उसने ये चीज बोली कि हमने आपको घर से बुलाने नहीं, हम आपको घर में बुलाने नहीं है, वो उसकी सोच है। हमने मानवता की सेवा करनी है, हमने किसी मजहब की सेवा नहीं करनी पर्टिकुलर, हमने हिंदू की भी मदद करनी है, मुस्लिम की भी करनी है, सिख की भी करनी है, ईसाई की भी करनी है, हमारा धर्म है, हमारा धर्म हमें यही सिखलाता है कि मानवता की सेवा करना, और वो हम करेंगे। इन पुलिस वालों की बातों से तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, अगर हमें दिक्कत आएगी तो कोई बात नहीं, हम दिक्कत का सामना करने के लिए तैयार है, हम पीछे हटने वालों में से नहीं है, बट हाँ ये हमारा हक है, ये हमारा फर्ज है, हम एडमिनिस्ट्रेशन से मांग कर सकते हैं, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बात, हमारी मांग रखे, हमारी मांग को पूरा करे या ना करे ये एडमिनिस्ट्रेशन को पता होगा, और एडमिनिस्ट्रेशन देखे कि कौन सी एनजीओ काम कर रही है, उसको वेरीफाई करे, उसको प्रॉपर, और अपने ये जो आपने ये रखे हुए हैं इनको बताया जाए कि भाई ठीक है, अगर एनजीओ काम कर रही है, अगर आप कुछ नहीं कर सकते, अगर अपनी जेब में से कुछ किसी को दे नहीं सकते, कम से कम जो काम करने जा रहे हैं उनको जाने की इजाजत जरूर दीजिए।